गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा आपको चैप्टर पढ़ा रहा था सेकंड, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में आप देखें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि एक गज का गुणनखंड है या नहीं ये बताइए। तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय समझेंगे, शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो देखिए, सब मान लीजिए कि यहाँ पर पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला कोई बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ब्रैकेट ए आता है। इसका मतलब अगर हमें एक्स माइनस ए से पी एक्स में भाग करना है तो शेषफल जो भी प्राप्त होगा वो शेषफल प्रमेय के माध्यम से, अगर हम फंक्शन पी एक्स में एक्स की जगह एक्स का मान ए रख देते हैं तो भी वो ज्ञात हो सकता है, ठीक है, और वही आपकी शेषफल प्रमेय कहलाती है। यानी किसी भी व्यंजक में किसी भी गुणनखंड से भाग करके शेषफल प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। शेषफल प्रमेय के माध्यम से हम उसका शेषफल प्रमेय के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर उदाहरण 9 में हमें दिया गया है, एक व्यंजक दे रखा है और एक गुणनखंड दे रखा है, कहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन एक गुणनखंड है, अगर एक्स माइनस वन को हम जीरो के बराबर रखते हैं तो एक्स का मान मिलेगा वन, वो भी प्लस का वन, जो इसका एक शून्यक होगा। तो शून्यक में क्या होता है, अगर हम शून्यक पी एक्स यानी फंक्शन में एक्स की जगह वन रख देते हैं तो यहाँ से हमें वो शेषफल निकल आएगा जब हम एक्स माइनस वन में से इस व्यंजक में भाग करेंगे। तो मैंने एक्स की जगह वन रखे, यहाँ पे दिखा है वन की घात चार वन होता है, वन की घात तीन भी वन होता है और वन की घात दो भी वन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा दो माइनस दो कट जाएगा और एक दो आ जाएगा। अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार x माइनस वन से इस व्यंजक में भाग करने पर शेषफल जो होगा वो आपका दो प्राप्त होगा। ये होती है हमारी शेषफल प्रमेय। यहाँ से आप चाहें तो इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और शेषफल प्रमेय के अनुसार अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है और उसमें कहा है कि निम्नलिखित में शेषफल ज्ञात कीजिए, जिसमें सबसे पहले लिखा है x प्लस वन। और x प्लस वन का मतलब है कि x प्लस वन को अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूँ तो x प्लस वन को जीरो के बराबर रखने पर x की वैल्यू माइनस के वन मिलेगी। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रखने वाला हूँ, माइनस के वन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वन एक गुणनखंड है जिसे जीरो पर रखने पर x का मान माइनस वन आता है। शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर मैं पी एक्स में एक्स की जगह माइनस वन रख देता हूँ तो यहाँ से हमें जीरो मिलेगा। इसका मतलब एक्स प्लस वन से भाग देने पर शेषफल आपका जीरो प्राप्त होगा। एक्स माइनस वन अपॉन टू में अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूँ तो एक्स का मान मिलेगा प्लस के एक बटे दो। फिर मैं एक्स की जगह एक बटे दो रखूँगा जिसे हल करने पर मुझे मिलेगा 27/8। इसका मतलब एक्स माइनस एक बटे दो से इस व्यंजक में भाग करने पर शेषफल मिलने वाला है 27/8। इसी तरीके से x दे रखा है, x दे रखा मतलब केवल x है, नहीं x माइनस जीरो कह सकते हैं, जिसका मतलब x बराबर जीरो हो जाएगा। अब मैं x की जगह जीरो रखने वाला हूँ, जैसे ही मैं इसमें जीरो रखूँगा तो योगफल में हमें मिलेगा वन, लेकिन यहाँ गलती से जीरो प्रिंट कर दिया है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर आपका वन आएगा। तो शेषफल यहाँ पर आपका वन आने वाला है। इसी तरीके से आप फोर्थ पार्ट को भी समझ लेंगे और इसमें इससे देख कर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी टू में भी आपको यही करना है, आपको एक्स की जगह ए रखना है और ए रखने पर जो भी आंसर आएगा वो इसका भागफल भाग करने पर शेषफल प्राप्त होता है, वो आएगा आपका 5a। क्वेश्चन नंबर तीन में कहा है कि इसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं से मतलब ये होता है कि अगर कोई भी गुणनखंड किसी व्यंजक का होता है तो शेषफल आपका जीरो आता है, और अगर वह गुणनखंड नहीं होता है तो उसका शेषफल जीरो के बराबर नहीं आता है। नहीं की स्थिति में नहीं और गुणनखंड की स्थिति में जीरो आता है। तो x 7 + 3x को अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूँ तो x का मान मिलेगा माइनस के 7/3। जैसे ही मैं इस फंक्शन में रखूँगा 7/3 तो हमें मिलेगा आपका यहाँ पर 490/9, जो जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब जब शेषफल जीरो नहीं आया तो इसका मतलब दिया गया फैक्टर इसका गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट होती है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।